Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. So, now we are going to start with our chemistry chapter number 4. The name of the chapter is स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बहुत बच्चों का मैं सुन चुकी केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर तो सिर के पार जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल आप इस चैप्टर को ऐसे समझना जैसे सिक्स सेवन्थ का कोई चैप्टर है पहले ही दिमाग में सोच के बैठोगे हाँ यू तो बड़ा मुश्किल चैप्टर है मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा तो नहीं आएगा लेकिन अगर आप फ्री माइंड से पढ़ोगे कि हाँ सिंपल चैप्टर बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर द इंट्रोडक्शन पूरा इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करके आपको लगेगा हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है अच्छा, मॉलिक्यूल तो क्या होता है यह सब पढ़ा तो एटम बेसिकली हमने क्या पढ़ा था इट इज दिल्डिंग ब्लॉक जैसे हमारी पूरी बॉडी है वो किससे बनी है पूरी बॉडी हमारे ऑर्गन से टिश्यूज से सो बेसिकली ब्रेक डाउन करते करते लास्ट में क्या बनता है सेल कि ये पूरी बॉडी सेल मिल 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 के बॉडी बनाते हैं इसी तरीके से एटम भी हर मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जैसे कोई भी सब्सटेंस है कोई भी चीज है उसके अंदर 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 जाते रहोगे तो सबसे छोटा जो सब्सटेंस है दैट इज एटम ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं सो so, अब इनकी शक्ल देख के शायद आपको याद आ जाए चैप्टर थ्री में जॉन जौ, डेल्टन के बारे में हमने इनकी थ्योरीज वगैरह पढ़ी थी काफी चीजें पढ़ी थी तो देखते हैं अब इनके बारे में क्या लिखा है जॉन डेल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन इनडिविजिबल एंटिटी वॉट इज इनडिविजिबल ये वैसे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं बट स्टिल इनडिविजिबल एंटिटी का मतलब है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती इनडिविजिबल इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते बट His concept had to be discarded at the end of 19th century. अब 19th century के end तक आने तक उनकी ये जो बात थी उसको लोगों ने discard करना start कर दिया। मैं तो मतलब और साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया When scientists through experiments were able to find existence of charge, electrons and protons and neutral particle neutrons in the atom. These particles were called the subatomic particles. Now with time, यहाँ पे scientists आए उन्होंने कहा नहीं 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 भाई atom सबसे छोटा नहीं है अभी atom के अंदर charges भी है protons भी है electrons भी है neutrons भी है so ये सब चीजें हमारे atom के subatomic particles पार्टिकल्स है अब इस चीज को जस्टिफाई ऐसे भी किया जाता है कि जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वो इस में नहीं होती मतलब ये एटम के चार्जेस हैं कोई डिक्लाइन नहीं कर रहा कि ये चीजें नहीं है हैं बट एटम की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनके बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या हम कह सकते हैं सिंपल चार्जेस है एटम के चलो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया अब ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट बैठता है उसने रिसर्च करी उसने नहीं बता दिया इलेक्ट्रॉन भी है उसी ने बता दिया प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता ये बहुत पुरानी बात है इसलिए हम सब कुछ साथ में पढ़ पा रहे हैं सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रेस बाय जे जे थॉम्सन सो जे जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट है उन्होंने जाके इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे नाउ आई हैव सीन बहुत जगह पे यहाँ पे थॉट रेस का पूरा एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया गया है देखो नॉलेज के लिए दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको नॉलेज हो गया आपको पता चलेगा आगे क्लासेस में भी हेल्पफुल होगा बट अगर हम नाइन्थ के सिलेबस पे स्टिक करें तो कहीं पे भी हमें पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने की जरूरत नहीं है सो वाई वेस्टिंग टाइम हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे हम सिर्फ अपना एनसीआरटी के सिलेबस के हिसाब से भाई जो चीज हमें पता है जो पेपर में आंसर करनी है वो करेंगे हाँ अगर आपको पूरा ब्रॉडली जानना है तो अच्छी बात है कुछ गलत नहीं है बट को बढ़ाएंगे नहीं और मुश्किल नहीं बनाएंगे ठीक है ना so, ये याद रखना और एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रेस ठीक है ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था चलो थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट ओके देन वी है कुछ चीजें देख लेते हैं हम यहाँ पे

मास है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की बात अब बात करते हैं प्रोटॉन की सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई नाउ दिस इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग क्योंकि प्रोटॉन्स के बारे में कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा कि ई गोल्ड ने किया है कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि रोदर फ्रूट ने किया है सो आई एम स्टिकिंग टू योर एनसीआरटी उसमें ये लिखा हुआ है तो वी आर गोइंग बाय एनसीआर अगर आपकी स्कूल टीचर्स आपको कहती हैं कि नहीं भाई

पॉजिटिवली चार्ज तो इनपे चार्ज कौन सा होता है पॉजिटिव वही जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं सो so हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज ठीक है ये हमें पता होना चाहिए चलो फैक्ट अबाउट प्रोटोन्स प्रोटोन्स के बारे में भी देख लेते हैं चार्ज ऑन प्रोटोन प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेसूड माइनस नाइनटीन ये कहीं देखा देखा लग रहा है ये जो भी लिखा हुआ है प्लस वन पॉइंट सिक्स वो अभी जो हम इलेक्ट्रॉन का करके आए हैं सेम वो ही है क्या डिफरेंस है वो माइनस में था ये प्लस में है तो मतलब दोनों का चार्ज सेम है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है नेक्स्ट है मास ऑफ प्रोटोन सो मासन थ्री इंटू टेन माइनस ट्वेंटी फोर सो यहाँ पे ये देखने के बाद अगर आपके दिमाग में चल रहा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बड़े होते हैं प्रोटोन्स बड़े होते हैं तो भैया है, मैथ्स दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि यहाँ पे अगर हम मास की बात करें तो so ये है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस्टी पावाइन 24 कंफ्यूजन कहाँ होती है कि इलेक्ट्रॉन्स में ये 9.1 दिख जाता है ये नहीं देखते कि 10 रे टू द पावर -31 है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में उतना छोटा होता है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है और कितना कम है मास ऑफ प्रोटोन इज 1840 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतना ज्यादा गैप है इतना ज़्यादा ज़्यादा टाइम्स का मास उनसे है और मुझे पता है neutrons. Neutrons की इसमें कोई लड़ाई धड़ाई नहीं है बाय जे चैडविक इन्होंने डिस्कवर किए थे न्यूट्रॉन्स जे चैडविक बॉम्बार्डेड लाइटर एलिमेंट्स लाइक लिथियम बोरोन एटसेट्रा विद अल्फा दिस इज बेसिकली अल्फा इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स जीरो चार्ज बट हैविंग मास इक्वल ऑफ प्रोटोन तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई और भी हैं जिन पे चार्ज तो कुछ नहीं है क्योंकि भैया न्यूट्रॉन है न्यूट्रल है बेसिकली तो जीरो चार्ज है लेकिन उनका मास जो है वो प्रोटोन के इक्वल है मतलब मास तो है प्रोटॉन जितना लेकिन उसपे चार्ज नहीं है सो तो उनको नेम दिया गया था न्यूट्रॉन सो दिस पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम एटम की न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है न्यूट्रल है वो क्लियर चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो so, नेम देख लो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस ये भी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा एंड उनका चार्ज होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेषदी बाबा माइनस नाइनटीन यूनिट चार्ज की बात करें तो वन माइनस यूनिट में अगर इसको लिखना है तो एंड अगर हम मास की बात करें तो नाइन पॉइंट वन इंटू टेन डे एची बाबा माइनस थर्टी वन के जीस देन प्रोटोन्स की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं चार्ज देख लो सेम होता है बस ये माइनस है ये प्लस है ये डिफरेंस है एंड

एंड प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम होता है आई होप दिस इज क्लियर सो ये हमने पढ़ लिया अब आगे का जो हमारा टॉपिक है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आएंगे एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है वी आर गोइंग टू टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेयर एंड